हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि डेल लैपटॉप में हमारे 4 GB रैम है, इसमें हम 8 GB करेंगे। ये हमारा डेल है 5000 सीरीज। सबसे पहले तो हमने लैपटॉप को स्विच ऑफ कर लेना है प्रॉपरली, फिर इसके बेस पे स्क्रूज दिए हैं, इसे हम खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्क्रूज दिए हैं, इसे हम खोल लेंगे। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। इनके सभी स्क्रूज की साइज सेम है। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड है वो टच पैड पे अटैच किया होता है, तो हमारा जो बेस है ये बाहर की तरफ निकलेगा। ये लैपटॉप पहले भी खुल चुका है, तो ये खुलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से इजीली खुल जाएगा। अभी हम ओपनर की मदद से ये जो बेस और टच पैड के बीच में जो गैप है, इसमें हम ओपनर डाल के इसे अनलॉक करेंगे। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये इजीली ओपन हो गया, क्योंकि ये पहले भी खुला हुआ है तो कई प्लास्टिक के लॉक्स इसके ब्रेक हो चुके हैं। इसे जब भी आपने खोलना, बैक साइड से खोल के ऐसे आगे की तरफ करना है, क्योंकि इसके आगे की तरफ मैग्नेट लगे होते हैं और जो आगे के लॉक होते हैं वो बेंड होते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हमने बैटरी की केबल को डिस्कनेक्ट कर देना है। यह यहाँ पे बना हुआ टेप सी बनी होती है, यहाँ से पकड़ के केबल को बाहर की तरफ खींचना है। ये हमारी केबल निकल गई। अभी हमारे पास दो स्लॉट से, उसमें से एक स्लॉट में लगी हुई है रैम DDR4 21 MHz की लगी हुई है 4 GB। जो दूसरी स्लॉट है हमारे पास फिलहाल 21 MHz की अवेलेबल नहीं थी, तो हमने लगानी है क्रूशियल ब्रांड की 4 GB 2666 MHz की, DDR4 2666 MHz की लगानी है। अभी हम रैम को निकालते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी क्रूशियल ब्रांड है, 2666 MHz की है DDR4 की। अभी हम ये लगाएंगे। एक चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि अगर हमने ये हमारी 21 MHz है और ये 26 MHz में आ गई है, तो आपको जो स्पीड मिलेगी वो 21 MHz की ही स्पीड मिलेगी, ना कि 26 की मिलेगी। हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम इस रैम को लगा रहे हैं। ये आपने देखना जैसे कट बना है, ठीक है, इसके यहाँ भी कट बना होता है, बस आपने अंदर डालना है और इसे प्रेस कर देना, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट स्लॉट है, ये सेकेंड स्लॉट है। अभी हम बैटरी की केबल को लगाएंगे, अंदर की तरफ डाल देना इसे। अभी हम बेस को लगाते हैं, ये नीचे से लगा के, ये आप एक बार देख लीजिए, ये इसकी हार्ड डिस्क है, ये बैटरी है, ये रैम होगी, ये प्रोसेसर, ये हीट सिंक लगी हुई है, ये सीपीयू फैन है, ये वाईफाई कार्ड है, ये साइड में दो स्पीकर्स लगे हुए हैं। लीजिए अभी हम पैक करते हैं, इसके बेस को फिक्स करते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ से हमने लगाना है, फिर ऊपर की तरफ प्रेस कर देना है सभी साइड से। इसे आप जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गैप है, थोड़ा सा ओपन करके ऐसे प्रेस कर दो आप, ताकि लॉक हो जाए। अभी हम पहले एक बार चेक कर लेते हैं इसे। आप देख सकते हैं इसमें दिखा रहा है कि अलर्ट द अमाउंट ऑफ सिस्टम मेमोरी हैज़ चेंज्ड, सिस्टम मेमोरी की अमाउंट चेंज हो गई है। अभी हम इस पे जाएंगे, इसके बायोस के सेटअप में,
इसके हम जाते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन में, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो अभी हमारे रैम मेमोरी इंस्टॉल्ड है 8 GB होगी है। मेमोरी स्पीड हमें क्या मिलेगी 2133 MHz, 2133 MHz की ही स्पीड हमें मिलेगी। दोनों स्लॉट डिम ए और डिम बी दोनों में 4 GB की रैम लग चुकी है, DDR4 है, पर जो स्पीड हमें मिलेगी वो 21 MHz की ही स्पीड मिलेगी, ना कि 26 की, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट रैम है वो 21 MHz की, या तो दोनों 26 की लगाओ, पर जो इस मॉडल को जो सिस्टम को फिट हुई है वो 21 MHz के साथ ही फिट हुई है। इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लैपटॉप में एकदम प्रॉपरली चलेगा। मैं आपको पूरा चेक करा देता हूँ एक बार, सिर्फ हमें स्पीड कम मिलेगी, बाकी प्रॉपर लैपटॉप आपका चलेगा। को यहाँ पे इसकी सिस्टम कॉन्फिगर प्रॉपर्टीज चेक करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इंस्टॉल्ड मेमोरी 8 GB दिखा रहा है, 7.86 GB यूजेबल है, ठीक है सर। अभी हम इसे कर देते हैं शट डाउन। शट डाउन कर दिया, अभी हम बेस के जो सभी स्क्रू से इसे हम टाइट कर लेंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। शुक्रिया।